हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ भरुआ बैगन बनाने के लिए, और अभी का बज रहा है 1 बज गया है। आज थोड़ा लेट से खाएंगे क्योंकि आज हस्बैंड का जो है ऑफ है ड्यूटी, तो इसी के चलते थोड़ा लेट से खाएंगे। और ज़्यादातर हम लोग गरम गरम बना के ही, मैं तुरंत बनाती हूँ और तुरंत खाते हैं, पहले से नहीं बनाती हूँ। मैं 9 बजे से स्टार्ट नहीं करती हूँ खाना, क्योंकि ब्रेकफास्ट करने के बाद में बहुत सारा टाइम बचता है, तो आराम से मैं खाना बनाती हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ भरुआ बैगन। और ये देखिए, फेस में बहुत सारा पिंपल्स भी निकल गया है, गर्मी बहुत हो रही है मेरे स्किन में, पता नहीं क्यों। और शाम होने से भी बारिश भी बहुत होती है यहाँ पे, तो ठंडे ठंडा और गर्म हो गया है। आपको मेरा गला का साउंड भी अच्छा से नहीं आता होगा। मेरा जो हाल है, किचन में लाइट खराब हो चुकी है, तो इसी के लिए मैं बहुत दिनों से आप लोग के साथ में कोई भी वीडियो शेयर नहीं कर पा रही थी फ्रेंड्स। और हस्बैंड गए थे घर, तो हो नहीं पा रहा था, और वीडियो भी मैं शूट नहीं कर पा रही थी, आप लोग के साथ में शेयर भी नहीं कर पा रही थी। तो बहुत दिनों से चावल और दाल ऑलमोस्ट बन चुका है, तो चलिए चलते हैं किचन में और बनाते हैं भरवा बैगन। तो यहाँ पर ही मैं 5 से 6 छोटे वाली बैगन ली हूँ, और बैगनों को अच्छी तरह से हम लोग धोकर बीच से कट कर लेंगे। आप चाहे तो इसके बीच में स्टफिंग भर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं दूसरे टाइप से बनाऊँगी। तो देखिए, अभी गर्मी का सीजन है, तो आपको छोटे वाली जो बैगन होती है मार्केट में ईजिली मिल जाता है। तो सारे बैगनों में मैंने कट लगा लिया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और इसके बाद में मैं यहाँ पर ही ऑयल गरम करने के लिए पहले से रख दी थी, तो ऑयल मेरा अच्छी तरह से गरम हो चुका है। अब मैं यहाँ पर बैगनों को अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। तो बैगनों को अच्छी तरह से आप डीप फ्राई करिए, सब तरफ से पलट दीजिए, और इसको अच्छी तरह से हम लोग फ्राई करेंगे। इससे जो है ना, बैगन बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है फ्रेंड्स। तो देखिए, ऑलमोस्ट मेरा बैगन, जो सारे बैगन है, अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो अब हम लोग मसाले भुनेंगे। तो मैंने छोंक में लगाया था थोड़ा सा जीरा और सरसों डाला था, और 2 कटी हुई प्याज डाला था। इसके बाद में मैं मसालों में यूज़ की थी, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाली थी, 1 टमाटर कटा हुआ टमाटर, जीरा धनिया पाउडर डाली थी, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डाली थी, और थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाली थी। तो आप अगर टमाटर का इस्तेमाल ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आमचूर का पाउडर ना डालें, तो नहीं तो सब्ज़ी आपका ज़्यादा खट्टा हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए, मसालों को अच्छी तरह से हम लोग पकने देंगे थोड़ी देर के लिए। तो देखिए, यहाँ पर मसाले हमारे अच्छी तरह से पक चुके थे, तो अब मैं यहाँ पर डाल लूँगी थोड़ा सा पानी। और इसके बाद में जो हम लोग फ्राई करके रखे थे बैगन को, उसको हम लोग इसमें डाल देंगे मसालों में। आप चाहे तो मसालों को स्टफिंग भी भर कर बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। अब मैं यहाँ पर डालूँगी करी के पत्ते ऊपर से। आप चाहे तो करी के पत्ता नहीं है तो धनिया का पत्ता भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, लेकिन करी के पत्ते से बहुत अच्छा अरोमा फ्लेवर आता है, तो इसी के लिए मैं ज़्यादातर करी के पत्ते ही इस्तेमाल करती हूँ। तो मेरा भरुआ बैगन बन के तैयार हो गया है फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग आ गए थे मार्केट, क्योंकि जेनिसा को लेना था लीचू, तो लीचू के लिए हम लोग मार्केट आए थे। कुछ फ्रूट्स भी लेना था, जैसे आम वगैरह, तो यहाँ पर ही पूछ रहे थे कितना प्राइस है। तो अभी हम लोग आए थे मार्केट, और मार्केट से अभी हम लोग ले रहे हैं लीचू, जेनिसा का फेवरेट है लीचू, तो लीचू लेने के लिए आए हैं। और देखते हैं और भी कुछ फ्रूट्स अगर मिलेगा तो लेंगे। और यहाँ पर बहुत जोर की बारिश हुई है, तो इसी के वजह से अंधेरा दिख रहा है। तो गाइस,
फाइनली हम लोग आ गए हैं घर और मार्केट से लिए हम लोग को लीचू। तो आई होप आप सबको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा हो। तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और फुल वॉच करिएगा। तो टाटा बाय बाय। और मेरा ये देखिए लगा तो आपको सब्सक्राइब करना लीजिए और चैनल को लाइक करिएगा।